हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सोनू स्पीकिंग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत ही इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और कमेंट करना। चलिए हम सीखते हैं कि वो टॉपिक है क्या और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम उसके बाद बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। ये वीडियो एटलीस्ट 10 मिनट की हो सकती है मे बी, बट वी हैव टू कंटिन्यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमें कंटिन्यू रहना है, हमें लगातार रहना है इस वीडियो के आखिर तक। देखेंगे बोर्ड पे यूज़ ऑफ विदाउट। यूज़ ऑफ विदाउट का मतलब होता है के बिना या बिना होता है विदाउट का मतलब। अब विदाउट के बाद आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी आ सकती है, आप आई एन जी भी लगा सकते हैं वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। आगे अगर विदाउट के बाद में आईएनजी नहीं होता है तो कभी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट मतलब ये मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए, आई का मी ऑब्जेक्ट होता है, सी का हर होता है, ही का हिम होता है, यू का यू होता है, दे का दैम होता है, बी का अस होता है। तो ये सारे क्या हमारे सब्जेक्ट हैं। जैसे आई मानी मैं तो मी मानी मेरे बिना या मुझे, सी मानी बह तो उसका हर हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ही मानी बह तो उसका हिम हो जाता है उसके बिना, यू मीन्स तुम यानी कि तुम्हारे बिना, दे मीन्स बे तो मतलब उनके बिना, मीन्स बी मीन्स हम तो हमारे बिना। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम विदाउट के बाद में कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलता है। उसके बाद में हमें विदाउट के बाद में पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन देखने को मिलता है। जैसे मैं कहता हूँ तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी परमिशन, मैंने कहा तुम्हारी एडवाइस, मैंने कहा तुम्हारी नॉलेज, तो वो सब क्या है, तुम्हारी जो है वो क्या है, पजेसिव है। मैंने कहा उसकी नॉलेज तो हर लड़की के लिए है, मैंने कहा उसका, मैंने कहा सेंटेंस में हम कह सकते हैं सेंटेंस में, मैंने कहा उसका माइंड, मैंने कहा उसकी एडवाइस, मैंने कहा उसकी प्लानिंग। तो उसकी जिस चीज़ पर अधिकार हो वो वर्ड होगा, और जिस चीज़ जो चीज़ है, जैसे मैंने कहा माय पेन तो मेरा पेन, तो माय मानी मेरा, तो ये पोजेसिव हो गया, लेकिन पेन क्या है, नाउन है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव माय हुआ, लेकिन जो पेन है मेरे हाथ में वो क्या है, नाउन होगा। तो इस प्रकार से भी हम विदाउट के बाद देखते हैं, हम सीखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से, एंड आई होप बहुत अच्छे समझ में आएगा। आई गेव हिम, मैंने उसे दे दिए मनी, मनी पैसे, मैंने उसे पैसे दे दिए विदाउट डिमांडिंग, मतलब बिना डिमांड किए, मतलब वो मुझसे डिमांड करता तो मैंने उसके बिना डिमांड के दे दिए, तो आई गेव हिम मनी विदाउट डिमांडिंग। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे विदाउट डिमांडिंग मतलब है बिना डिमांड किए हुए। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी स्लैप्ड, मतलब उसने थप्पड़ मार दिया विदाउट आस्किंग, बिना पूछे। तो अब हम आप ये जिरेंड देख रहे हैं आई एन जी फॉर्म, मतलब सी स्लैप्ड विदाउट आस्किंग, उसने बिना पूछे, आप देख रहे हैं बिना पूछे आ रहा है कि उसने थप्पड़ मार दिया, तो यहाँ पर आई एन जी फॉर्म है। नेक्स्ट है आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला, आई स्पोक इंग्लिश विदाउट कमिटिंग मिस्टेक। कमिट मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना, तो सी ओ डबल एम आई डबल टी आई एन जी, कमिटिंग मिस्टेक मतलब बिना गलती किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी बेंट, बह चली गई विदाउट यू, तुम्हारे बिना, बह चली गई तुम्हारे बिना। अब आप यहाँ विदाउट के बाद में यू देख रहे हैं, तो यू क्या हमारा ऑब्जेक्ट, अब यू का यू ही रहता है, आप देख रहे हैं यू का यू ही ऑब्जेक्ट रहता है कि बह चली गई तुम्हारे बिना। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेल गो, मैं चला जाऊँगा, आई सेल गो मैं चला जाऊँगा विदाउट हिम, उसके बिना। तो अब वो लड़का है तो हमने उसका ही का बना दिया हिम, उसके बिना। अगर वो लड़की होती तो मैं कहता हर, मतलब आई सेल गो विदाउट हिम, मैं उसके बिना चला जाऊंगा, या आई सेल गो विदाउट हर, वो लड़की है तो मैं उसके बिना चला जाऊंगा। आगे है सी विल नेगोशिएट, सी विल नेगोशिएट का मतलब होता है सौदेबाजी करना, मतलब वह सौदेबाजी कर लेगी विदाउट मी, मेरे बिना। तो मी मतलब आई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो आप देख रहे हैं विदाउट के मी, तो सी विल नेगोशिएट विदाउट मी, मैं वह मेरे बिना सौदेबाजी कर लेगी। नेक्स्ट है आई सेल परचेस विदाउट यू, मैं परचेस कर लूंगा, आई सेल परचेस मैं परचेस कर लूंगा विदाउट यू, तुम्हारे बिना। अब आप यहाँ पर फिर भाई आगे तुम्हारे मतलब तो यू का यू ही रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी लेफ्ट हाउस, उसने घर छोड़ दिया, उसने घर छोड़ दिया विदाउट मतलब के बिना, माई परमिशन मेरी परमिशन के। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं माई आ गया, तो अब माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन क्या है, परमिशन, तो मतलब उसने घर छोड़ दिया मेरी परमिशन के बिना। तो इस प्रकार से ये हमने आज सीखा विदाउट, और मैं एग्जांपल आपको बोलता हूँ पोजेसिव एडजेक्टिव के। मैंने कहा कि सेंटेंस में मैंने कहा सी विल अंडरस्टैंड, मैंने कहा सी विल अंडरस्टैंड विदाउट योर टीचिंग,
विदाउट योर टीचिंग। तो योर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। टीचिंग क्या है? नाउन है। मतलब तुम्हारी टीचिंग के बिना वह सीख जाएगा या वह सीख जाएगी। मैंने कहा ही विल अंडरस्टैंड, ही विल अंडरस्टैंड, वह समझ जाएगा विदाउट योर टीचिंग, तुम्हारी टीचिंग के बिना। ऐसे हम सेंटेंस कहते हैं दैट आई विल गो टू मुरादाबाद, मैं मुरादाबाद चला जाऊँगा विदाउट योर बाइक, तुम्हारी गाड़ी के बिना। आप अपनी गाड़ी की फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी गाड़ी के बिना मुरादाबाद चला जाऊँगा। आई शैल गो टू मुरादाबाद विदाउट योर बाइक। आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियोज़ पर, अगर मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इस प्रकार की अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।